नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे मीडिया टुडे टीवी। उत्तर प्रदेश को अपनी बबूती समझने वाले यूपी सरकार के मुखिया इन दिनों मनमानी पर उतर आए हैं। योगी महाराज ना तो कानून का सम्मान करते हैं और ना ही लोकतंत्र की इज्जत, इसलिए आए दिन वो कोर्ट से फटकार खाते रहते हैं। योगी सरकार ने अभी पिछले दिनों सीए को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को दंगाई बताकर उन्हें उगाई का नोटिस थमा दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब यूपी सरकार और पुलिस ने मिलकर कुछ लोगों के होर्डिंग लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर लगा दिए, जिससे नाराज होकर लखनऊ हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर लताड़ लगाते हुए लखनऊ डीएम और पुलिस कमिश्नर को तलब किया और पूछा, ये सब क्या है, किस कानून के तहत आपने पोस्टर लगाए, जवाब दो। आपको बता दें, नागरिकता कानून के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके पोस्टर यूपी पुलिस ने लगाए थे, जिससे हाई कोर्ट ने नाराजगी दिखाई और चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को नोटिस भी जारी किया, जिसमें 76 साल के पूर्व अधिकारी शर्णवराम दारापुरी, सामाजिक कार्यकर्ता सदव जाफर, कलाकार दीपक कबीर और एडवोकेट मोहम्मद शोएब तथा अन्य 57 लोगों को लखनऊ हिंसा का जिम्मेदार बताते हुए पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पोस्टर लगवाए थे। इन सभी लोगों को हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ का जिम्मेदार बताते हुए 1,55,00,000 का जुर्माना भरने को कहा गया था। ऐसा ना करने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी भी दी गई। अब इन्हीं पोस्टर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, आखिरकार किस नियम के तहत ये पोस्टर लगवाए गए हैं। लखनऊ हाई कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, छुट्टी वाले दिन यानी रविवार को लखनऊ पुलिस कमिश्नर और डीएम को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। याद होगा आपको, पिछले साल 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इसी हिंसा के बाद सीएम योगी ने दंगाइयों से वसूली का ऐलान किया था। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि लखनऊ हिंसा पर अदालत का फैसला आने से पहले जिस तरीके से लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं वो बदले की कार्रवाई है और लोगों को बदनाम करने की कोशिश भी है। विपक्ष के मुताबिक सरकार उन लोगों की आवाज दबाना चाहती है जो नागरिकता कानून के खिलाफ मुखर रहे हैं। जो वायलेंस हुआ उसको सभी ने कंडेम किया, मजम्मत की, और उसके बाद कई FIR भी लॉज हुई, कई लोग जेल में भी गए। ऑलरेडी सबके केसेस ऑनरेबल कोर्ट्स में चल रहे हैं, कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग है और कुछ लोगों को उसमें स्टे भी मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा करके लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं, और जबकि ये तमाम लोग इस मुल्क के शहरी हैं और जिसमें कि उलमा भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, रिटायर्ड एक IPS ऑफिसर भी हैं, एक लेडी भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स हों, जबकि ये लोग आम शहरी हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों की फ़ोटो लगाना पब्लिक प्लेस पे हम समझते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और इससे एक बहुत ही गलत मैसेज पब्लिकली भी जा रहा है। तो जिम्मेदारों को चाहिए, हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन फ़ोटोज़ को पब्लिक प्लेस से फ़ौरन हटाया जाए और अदालत जो फैसला करे उस पर सब लोग अमल करें।